हेलो फ्रेंड्स, मैं आज आपको ये दो सलाई में जो हम तीरे में घटाते हैं ऊपर जाके, वो मैं आज आपको बताने वाली हूँ। जैसे ये समझ लीजिए, ये एक पार्ट है और ये एक पार्ट है। ये दो बराबर फंदे हमने रखे हैं, अब इसको घटाएं कैसे ये देख लीजिए। ये बता रही हूँ मैं आपको, तो आपको देखना है। जैसे दोनों के धागे हैं तो आप एक ही धागा ले लोगे और इस तरह से इसमें से एक फंदा और इसमें से एक फंदा इस तरह से लोगे और ये बुन के आप, ये एक निकल गया। उसके बाद फिर इसमें से एक और इसमें से एक, ऐसे ये एक हो गया। ये दो बुन लिया हमने। अब हम क्या करेंगे, ये पीछे वाले को लेके इसके ऊपर से ऐसे कर देंगे, फिर हम आगे बुनेंगे एक इस तरह से। ये फिर दो हो गए, फिर पीछे वाला लेके पीछे वाला फंदा लेके हम उसके ऊपर से पिरो देंगे ऐसे। फिर हम बुनेंगे एक इस तरह से, पूरी लाइन करनी है हमको, दोनों फंदों को इकट्ठे बुनना है आपको ऐसे। फिर ये पीछे वाला लेके आप इसके ऊपर से ऐसे कर दोगे ये। फिर हमने दो में से ये पहले ऐसे लोगे, फिर इसमें से ऐसे लोगे ये इस तरह से, और जब ये इस तरह से धागा करके और ऐसे आराम से इस तरह से फंदे को निकाल लोगे। फिर अब ये दो हो गए, अब पीछे वाले फंदे को उठाओगे आप आराम से और उसके ऊपर से ऐसे करके उसको निकाल दोगे। फिर आगे का बुनोगे दो का एक। ये दोनों इकट्ठे, दोनों मतलब बंद होते जा रहा है ये। इसके बाद फिर पीछे वाला उठाओगे आप, ये वाला पीछे वाला फंदा इस तरह से उठाया, ये इसके ऊपर से इस तरह से पिरो दिया। फिर ये बुन लिया हमने। फिर पीछे वाला फंदा उठाया, इसके ऊपर से ये देखिए ऐसे ये पिरो दिया। फिर हमने दो का एक किया, इस तरह से पूरी लाइन हमको करनी है। तो ये बहुत अच्छे से फिनिशिंग आती है इसकी। जितना अच्छा आपका सुई धागे से नहीं आएगा, उतना अच्छा इससे आता है और बहुत जल्दी बन भी जाता है। कहीं ऊंचा नीचा नहीं, कुछ नहीं, बहुत अच्छे से बनता है ये। अभी पूरा बनने के बाद मैं आपको दिखा दूंगी, अभी देखना आप कितना अच्छा लगेगा। तो इस तरह से पूरी लाइन हम बना लेंगे। ये मैं धीरे धीरे बता रही हूँ आपको ताकि अच्छे से समझ में आए। इस तरह से आप ले लोगे ऐसे, इस तरह से। बाकी फंदे भी हम घटा लेते हैं इस तरह से। ये लास्ट फंदा बचा है फ्रेंड्स, ये निकाल दिया। तीन फंदे की, तीन सिलाई की जरूरत होगी आपको ये वाला काम करने के लिए। अब ये एक बचा है, इसमें से जो ऊन का गोला है उसको निकाल देंगे। इसको बड़ा कर लोगे फंदे को ऐसे करके, उसके अंदर से आप बॉल को निकाल दोगे ऐसे, तो ये आपका बंद हो गया। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि वो कितने अच्छे से फिनिशिंग आई है उसकी। ये देखिए, ये एक लाइन से एकदम बहुत सुंदर आता है ये। इतना अच्छा तो आप ऊन से सुई से बनाओगे तब भी अच्छा नहीं बनेगा जितना कि इससे आप बनाओगे। तो आप इसको ट्राई कीजिएगा फ्रेंड्स, जब भी आपको कंधे जोड़ने हैं, तीरा जोड़ना है,
तो इस तरह से आप बंद करोगे। ये इस साइड उल्टे साइड में देखिए कितनी अच्छी सफाई आई है इसकी, और इसी तरह से फ्रंट साइड में भी। तो इस तरह से आप घटाने की कोशिश करना फ्रेंड्स। आशा करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा, ये इजी तरीका है बताया मैंने आपको, तो ये आप ज़रूर बनाने की कोशिश करना फ्रेंड्स। थैंक यू।